हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ और इस टॉपिक में आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सभी सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि आपके SSC के, CHSL, CGL और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं सभी के, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं तो उन सभी से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन सीरीज को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसका टॉपिक आपका होने वाला है प्रमुख समाज और उनके संस्थापक। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। साथ में आप लोग इसका जो नोट्स है वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल गए यहाँ पर सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज जो था उसके संस्थापक कौन है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके CGL के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकेंड नंबर, बोल गए यहाँ पर ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर, भूल गए यहाँ पर आत्मीय समाज के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आत्मीय समाज के संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट आंसर आपका हो जाना है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ से आपको एक बात मिलता है यहाँ पर देखने को कि आपके जो आत्मीय समाज है उसके, और साथ में मैंने आपको बताया ब्रह्म समाज, इन दोनों समाजों के संस्थापक कौन हैं, तो राजा राम मोहन राय हैं। इसलिए इन दोनों को अच्छे से आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फोर्थ नंबर, भूल गए यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर, भूल गए यहाँ पर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रार्थना समाज जो है उसके संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी अर्थात आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएगा? तो आत्माराम पांडुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्स नंबर, भूल गए यहाँ पर विश्व भारती संगठन के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व भारती संगठन के संस्थापक का क्या नाम है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाना है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर, भूल गए यहाँ पर मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि मुस्लिम लीग जो है उसके संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि आगा खां और सलीम उल्ला दोनों ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एट नंबर, भूल गए यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना कि आर्य समाज के संस्थापक का क्या नाम है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाइन्थ नंबर, भूल गए यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी वो किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टेंथ नंबर, भूल गए यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे उसके संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11th नंबर, भूल गए यहाँ पर, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर आपको सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी देखने को मिल जाता है और कहीं कहीं पर सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक का क्या नाम है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, क्योंकि मैंने आपको काफी बार इनके बारे में पहले भी बताया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 12 नंबर, भूल गए यहाँ पर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी अर्थात लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? तो लाला हरदयाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 13 नंबर, भूल गए यहाँ पर, भारत संघ के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना कि भारत संघ के संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट आंसर आपका हो जाना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14 नंबर, भूल गए यहाँ पर, अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है अभिनव भारत के संस्थापक के बारे में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाना है वी डी सावरकर। क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 15 नंबर, भूल गए यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अली बंधु। क्या हो जाएगा? अली बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16 नंबर, भूल गए यहाँ पर, होम रूल लीग के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि होम रूल लीग जो थी उसके संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि एनी बेसेंट और बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों को ही होम रूल का संस्थापक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 17 नंबर, भूल गए यहाँ पर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर आपको बताना है स्वराज पार्टी के संस्थापक। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि चितरंजन दास जो थे और मोतीलाल नेहरू जो थे, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18 नंबर, भूल गए यहाँ पर, हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 19 नंबर, भूल गए यहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसके संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 20 नंबर, भूल गए यहाँ पर, आत्मीय समाज के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है राजा राम मोहन राय, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ में आप लोगों के लिए एक जल्द ही एक सरप्राइज़ आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। साथ में ये वीडियो जो है इसका PDF आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई ट्रिक चाहिए हो किसी चीज़ की, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।